दोस्तों, बोलिविया के मशहूर सार्फ्रेस यूनी में आपका स्वागत है। जो चीज़ इस जगह को इतना अनोखा बनाती है वह है बारिश के बाद होने वाला मिरर इफेक्ट, जो आकाश और जमीन के बीच की सीमाओं को मिटा देता है, जिससे ऐसा लगता है जैसे आप बादलों पर चल रहे हों। दोस्तों, अब हम सलार दी यूनी के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। 10,000 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में फैले इस मैदान को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो यहाँ पर धरती और आसमान का मिलन हो रहा हो। बोलिविया का सलार दी यूनी की पहचान दुनिया के सबसे बड़े नमक के झील वाले मैदान के रूप में है। इस अद्भुत नज़ारे को देखने के लिए काफी संख्या में लोग यहां आते हैं। नमक का यह मैदान लगभग पूरी तरह से समतल है। किसी एक जगह से दूसरी जगह की ऊंचाई में 1 मीटर से ज्यादा का अंतर नहीं है। बारिश होने पर या पास की झील से पानी का बहाव होने पर यह इलाका एक विशाल झील में तब्दील हो जाता है। इसी वजह से सलार दी यूनी घूमने का सबसे सही समय बारिश मौसम के ठीक बाद का है। इस दौरान नमक के मैदान के ऊपर पानी की पतली परत उसे एक विशाल आईने में बदल देती है, जिसमें बादल चलते हुए दिखते हैं। इस पहले स्टॉप पर तमाम फोटोग्राफर ट्रिक फोटोग्राफी के लिए खड़े हैं और गाड़ियाँ यहाँ रुकती हैं, लोग फोटो खिंचवाते रहते हैं। हम लोगों ने भी बनवाया। दोस्तों, अब हमारा अगला पड़ाव नमक से बना होटल है। सलार दी यूनी में पहला यह नमक का होटल 1993 में बनाया गया था और तब से इस क्षेत्र में कई अन्य नमक के होटल बनाए गए हैं, परंतु यह होटल उन आगंतुकों के लिए एक अनोखा अनुभव प्रदान करते हैं जो सार्फ्रेस की प्राकृतिक सुंदरता में डूबना चाहते हैं। यह डकार मॉन्यूमेंट है। डकार रैली एक वार्षिक रैली है जिसकी शुरुआत 1978 में अमौरी स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा की गई थी। यूनी सार्फ्रेस 2014 में इस रैली का मंच था। हमारे ग्रुप में कुल 7 लोग हैं, 2 फ्रांस के हैं, 2 बोलिविया के ही हैं और एक सिंगल पेब्लो है जो हम लोग अभिन्न मित्र बन चुके हैं। सारे जैसे झंडे हैं, दूर रहा हूं मैं अपना भी। हम होटल में प्रवेश कर रहे हैं और लंच के बाद हम ये टाइल्स देखने के लिए जाएंगे। इन होटलों का निर्माण नमक के ब्लॉकों का उपयोग करके किया जाता है, जिन्हें सार्फ्रेस से ही निकाला जाता है। इन होटलों की दीवारें, फर्श और यहां तक कि फर्नीचर भी पूरी तरह से नमक से बने हैं, जो आगंतुकों के लिए एक अनोखा और असली अनुभव पैदा करते हैं। हमारा ये लंच आ गया है, ड्राइवर ले आया है। ड्राइवर हमारा ऑल इन वन है, ड्राइवर भी है, गाइड भी है, सब कुछ है। हमने पत्नी के लिए वेजिटेरियन फूड मंगाया था तो वो वेजिटेरियन फूड अलग से लेकर आया है। हम आपको पूरा दिखा रहे हैं। ये पूरा नमक से बना हुआ है होटल और यहीं पे हमारा लंच भी है।
ये पत्नी जी बैठी हैं और ड्राइवर जो है लंच कम गाइड कम ड्राइवर सब कुछ है। और ये देखिए आप कितना खूबसूरत है, ये सारी गाड़ियाँ यहीं रुकी हैं। अब बाहर जो है चार फ्लैट है जिसको देख करके लोगों की तबीयत ठंडी हो जाती है। ब्यूटीफुल वेकेशन और ब्यूटीफुल प्लेस, ये 11,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इस जगह पर काफ़ी देशों के झंडे लगे हैं। अपने देश का झंडा न देखकर निराशा हुई। पहले तो हमने सोचा कि शायद यह बोलिविया सरकार की हरकत है, पर बाद में पता चला कि टूरिस्ट ही अपने देश का झंडा यहाँ लगाते हैं। हमें इस बात का मलाल था कि काश हम भी तिरंगा लेकर आए होते, क्योंकि वहाँ सारे टूरिस्ट खड़े होकर अपने देश का राष्ट्रगान गा रहे थे, तो हमने भी गाया। T'as oublié de chercher Juan. ड्राइवर द्वारा सुझाया गया यह खेल भी बहुत अजीब था, एक तरह से उम्र की टेस्टिंग थी। हमारे अलावा सभी लोग 25 से 35 वर्ष के उम्र के आयु के थे, तो वे सारी सीढ़ियां बिल्कुल आसानी से चढ़ते चले गए। हमें पहली बार यह एहसास हुआ कि हम सीनियर सिटीजन हो चुके हैं। जिस तरह से हमने किसी तरह से इन सीढ़ियों को चढ़ने का काम पूरा किया, यह हमें जिंदगी भर याद रहेगा। सांसें रुकती सी नजर आ रही थी। बहुत बढ़िया, विजयी हुए। दोस्तों, अब हम अपने अगले पड़ाव ट्रेन सिमेट्री और नमक बाज़ार पहुंच चुके हैं। यूनी शहर के बाहरी इलाके में
मौसम की मार झेलने वाले और जंग लगे हुए ये 20वीं सदी की शुरुआत के हैं। चार क्षेत्र के खनन व्यापार को समुद्री तट तक यूनी को ग्रेटर बोलविया से जोड़ने के लिए विभिन्न ट्रेन मार्गों का निर्माण किया गया था, लेकिन चिली के साथ क्षेत्रीय विवादों ने नई रेलवे लाइनों की आवश्यकता को नकार दिया और इस प्रकार ट्रेनों को इस रेगिस्तानी कबाड़ में धकेल दिया गया। यह साल फ्लैट के बगल में बना हुआ एक मार्केट है जो जहां पे नमक से बनी हुई तमाम चीजें मिल रही हैं। इसके बाद हम आप अपने अंतिम पड़ाव सनसेट देखने के लिए जो दुनिया में मशहूर है वहां जा रहे हैं। इस उजाड़ नमक रेगिस्तान में अनगिनत हेक्सागोनल टाइलें हैं जो प्रागैतिहासिक झील के सूखने के बाद उसके तल पर बनी हैं। ये नमक क्रिस्टलीकरण की प्राकृतिक प्रक्रिया से बनते हैं। यह तब होता है जब नमकीन पानी वेपोराइज हो जाता है, इससे नमक के क्रिस्टल निकल जाते हैं जो अंततः बड़े हेक्सागोनल आकार की प्लेटों में विकसित हो जाते हैं। अंत में हम उस जगह पहुंच गए हैं जिसे देखने के लिए पर्यटक लालायित रहते हैं। सरहद पर प्रसिद्ध मिरर इफेक्ट पास की झीलों से बहने वाले पानी की एक पतली परत का परिणाम है। इस समय के दौरान यूनी नमक तल एक विशाल रिफ्लेक्टिव सरफेस में बदल जाता है जिससे मिरर जैसा प्रभाव पैदा होता है, जिससे ऐसा लगता है कि आकाश पृथ्वी में विलीन हो गया है। यह अनूठी प्राकृतिक घटना नमक के मैदानों की समतलता का परिणाम है जो एक बिल्कुल सपाट सतह बनाती है और ऊपर आकाश और बादलों को प्रतिबिंबित करती है। मिरर इफेक्ट उन पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय आकर्षण है जो यूनी साल्ट फ्लैट देखने आते हैं। आगंतुक आश्चर्यजनक तस्वीरें ले सकते हैं और आकाश और पानी के अनंत विस्तार पर चलने के अवास्तविक अनुभव का आनंद ले सकते हैं। Beautiful place I have never seen in my life. Wow, hey. Swadhi Yani. -8 डिग्री टेम्परेचर और 90 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं के बीच हमने यह यात्रा किया। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब का बटन अवश्य दबाएं। पहले इंडियन सीनियर सिटीजन ब्लॉगर हैं हम लोग जो साउथ अमेरिका के बोलिविया की इस स्थान की यात्रा हमने की। ऊपर वाले का शुक्रिया कि हमें कोई तकलीफ नहीं हुई। -8 डिग्री टेम्परेचर पर हमने यह दौरा किया।